जितेश शर्मा जब तक क्रीज पर थे, पंजाब की जीत की उम्मीद जिंदा थी। देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं थी, पर कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद जिंदा थी जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर में पॉवेल का वो शानदार सेव और जितेश का विकेट पंजाब की हार की वजह बन गई। नहीं, हार तो देखिए काफी पहले ही सुनिश्चित हो गई थी, जिस तरीके से जब 60 पे 6 हो गए थे। यहाँ तो एक लड़ने का मौका दिया था जितेश ने। ऋषि धवन का 13 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाना पंजाब को भारी पड़ गया। जिस सिचुएशन में बल्लेबाजी करने ऋषि धवन आए थे, तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप नहीं कह सकते कि उनका 13 गेंद पे 4 रन बनाना हार का कारण बना। मिचेल मार्श की अर्धशतकीय पारी बन गई दोनों टीमों के बीच का बड़ा फर्क। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क बन गई, क्योंकि पिच इतनी आसान नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी करी मिचेल मार्श ने, जबरदस्त। पहले ओवर में ही लियम लिविंगस्टन को आक्रमण पर लगाना मयंक का स्मार्ट मूव था। जी हाँ, बिल्कुल था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लियम लिविंगस्टन उनको लाया और उन्होंने बड़ा विकेट निकाला, बहुत अच्छा मूव था। अर्शदीप सिंह अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल खटखटा रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है, जिस तरीके से वो स्लॉग में गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को मारने नहीं दे रहे, तो जी हाँ, बिल्कुल दस्तक दे रहे हैं। लॉर्ड ठाकुर के डबल विकेट वाले 6ठे ओवर ने मैच दिल्ली की तरफ मोड़ दिया था। जी हाँ, बिल्कुल काफी हद तक, क्योंकि जब आप 160 रन बचा रहे होते हैं, तो वहां पे एक ओवर में अगर दो विकेट आ जाए, दो बड़े बल्लेबाज आ जाए, तो आप काफी हद तक मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ देते हैं। पंजाब प्लेऑफ में ना पहुंचने की वजह ढूंढ ही लेती है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो वजह ढूंढ लेती है, हर टीम जब आती है वो चाहती है पहुंचे, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। इस सीजन में भी काफी छोटी छोटी जो गलतियां हुई हैं, चाहे वो टीम कॉम्बिनेशन को लेकर हुई हो, या सही समय पर जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो नहीं आई है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है।